ये जितने सा बॉल पीका हाथ गेंद के आगे बढ़ते हुए लेकिन यहां पर रॉन्ग टैकल किया, एक फाउल हुई है जिसके चलते यहां पर राजा राम हस्ता को यहां पर पीला कार्ड का सामना करना पड़ा। थैंक यू सो मच। वेलकम, आपका स्वागत है मंच पर और इनको सम्मानित किया जाएगा शिवराज जी के स्वागत से। गुलाबाजार के जिला परिषद से स्वागत ताली बजाएं। भाई आए हैं निश्चित जी सोगी है गुलाबाजार के जिला परिषद। चलिए आपका भी स्वागत है माइक्रोफोन पर। जी बिल्कुल, और अरभा जी हम लोग बातें करना चाहेंगे। मैदान के बीचों बीच मुकाबला शुरू हो चुकी है, एक बड़ा मुकाबला जिसका हम एक बात का जिक्र कर चुके, हार या पार किसका होगा पहला पार इसमें इसका। और इस बार रंगलाल के पांव गेंद को हवा में पंप चिकन में सफल होता है। इस बार सुनील सफल होंगे चंद्रमोहन, लेकिन इस बार साइमन साइमन के कब्जे में गेंद है। साइमन हेम्ब्रम एक मेच्योर प्लेयर है टीम का। बुद्धेश्वर के लिए गेंद हवा में गेंद को रखने की कोशिश करते हैं, रंगलाल अपने कब्जे में गेंद को रखने में सफल। इस बार चंद्रमोहन साथी खिलाड़ी छोटू हांसदा 17 नंबर पर दीपक के लिए गेंद को निकाले हैं। लेफ्ट फ्रेंड से गेंद को आक्रमण करने की तैयारी मिट्टू माड़ी होंगे क्योंकि सफलता के दरबार में सिर्फ और सिर्फ मेहनत की हुकूमत चलती है और इसी बात को अपने मन में और जहन में लेता हुआ फेंकी पास मौके बन सकती है, खतरा बन सकता था तरुण के लिए, लेकिन गेंद चली गई है बॉल लाइन से बाहर और कॉर्नर की का इशारा करते हुए आकाश। अगर गेंद काफी दूर जा सकती है तो फिर सेकंड बॉल आप लोग रिलीज करेंगे तो नहीं देते हुए और एक करना होगा। फिलहाल कॉर्नर की गेंद को रिलीज किया है, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिश किया गया था। एक फ्री किक को रिलीज करेंगे यहाँ पर राजपाल बूते पर सफलता का शिखर को चूमने के लिए प्रयास करता हुआ दोनों ही टीम के खिलाड़ी, चाहे हम बात करना चाहेंगे राजू अंतर दसादी तपुर टीम का या फिर बात करना चाहेंगे अविनाशी स्पोर्टिंग टीम का। जी बिल्कुल, गेंद को रिसीव करने के बाद धानो के लिए, धानो जैसे में नौ में साथी खिलाड़ी पर इंद्रजीत उराव, लेकिन इंद्रजीत थोड़ा सा चैलेंज था उसके फिजिकल चैलेंज सामना किया यहाँ पर इंद्रजीत। कहीं ना कहीं दोनों के मुझे कुछ ही मिनटों के अंदर एक स्कोर जरूर हमें देखने के मौके मिल जाते इस मुकाबले खासकर हम चर्चा करना जीत को अर्जित करने के लिए दूसरा चक्र का अंतिम मुकाबला ओपन टूर्नामेंट का और इसके बाद शुरू होगी अंडर 18 की। विशेष रूप से ध्यान देना चाहेंगे दोनों टीमें अंडर का मुकाबला खेलने के लिए UHS टू ड्रॉ बनाम साजनदर सिंह और बड़ा मिस कर चुके थे रंगलाल मुर्मू। ये ऑन गोल हो सकता था लेकिन इन वक्त पर तरुण ने गेंद को सामना किया, पुनः ठाकुर ठाकुर के बाद फिर से धानो धानो के बाद फिर से इंद्रजीत, यानी कि वन टू वन करने का प्रयास तो कर रहे लेकिन उनको एक तालमेल की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर घनश्याम या विकास या सुनील लोहान जैसे तीन ऐसे खिलाड़ी जो जो राजू एंड राधा सादितपुर जमशेदपुर बलबूते पर वन मैन आर्मी के तहत तीन गोल दागे थे यानी कि हैट्रिक गोल दागे थे वही बुधेश्वर आज अविनाशी स्पोर्टिंग की टीम में यहाँ पर सुनील गेंद को ड्रिबल करता हुआ वाह कमाल का ड्रिबलिंग गेंद को रिलीज करना चाहा लेकिन सुरक्षा पंक्ति गेंद को और मैं हमेशा सात नंबर के खिलाड़ी सुनील लोहार को वंडर बॉय कहता हूँ क्योंकि हर एक पल में चमत्कारी खेल को दर्शाने के लिए काबिल लेकिन देखना होगा एक अच्छी टीम में और अधिकांश गेंद अगर सुनील लोहार को दिया जाए या फिलहाल धानो धानो ड्रिबलिंग के बाद साथी खिलाड़ी और इंद्रजीत के लिए गेंद को सामना किया है। इंद्रजीत समय जरूरी अपने सुवर्ण खिलाड़ी के साथ खेलना चाहेंगे भाई ठाकुर को चूज करता लेकिन यहां पर बिट्टू ये जीत के बाद बिट्टू दो मिनट कट करने के बाद यहां पर मिडिल पर यहां पर गांधी हेमराम आखिरकार गांधी साथी खिलाड़ी बिट्टू के लिए बिट्टू यहां पर आगे बढ़ना चाहेंगे सफल भी थे लेकिन यहां पर सही समय पर रंगलाल मुर्मू गेंद को प्रॉपर की गए एप्रोप्रिएट हेडर नीडेड हियर टीम प्लेयर साइमन
the team captain also a header but don't the target and a goal is a dream is a determination dolo once again maybe the arms controlling try to control and cross the ball once again and one to one passes to the try again the team player Raju and brothers Aditya Bhur but no one again once again Chandu receive the ball and now dribbling passes control the ball once again from the player Bittu Maadi and going out of play now welcome to the stage and take your player list format because you have to play after this match exactly goalkeeper for the team Abhinash is spotting long long red kick and we have to चेंज ढूंढना चाहता था लेकिन फिर से यहाँ पर ये जितेंद्र सा बॉल विकास गेंद के आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर रॉन्ग टैकल किया विकास को रोकने का प्रयास करते रोका गया जिससे तब यहाँ पर हुसैन बचता हुआ एक फाउल हुई है जिसके चलते यहाँ पर राजा राम हस्ता को यहाँ पर पीला कार्ड का सामना करना पड़ा है और ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है सीधे खड़ा होता है यहाँ पर प्रभास बिल्कुल यहाँ पर दूरी को तय करते हुए वॉल के लिए मतलब इनके साथ आया शादी तो टीम के खिलाड़ी यहाँ पर आपने शादी लेकिन कुछ करता हुआ मौके बन सकती है ओ माय गॉड यहाँ पर सुनील ने प्रयास जरूर किया था लेकिन सही दिशा दे नहीं पाए और यहाँ पर टीम के कप्तान साइमन भुदेश्वर के लिए दूसरे का हुआ छह नंबर के खिलाड़ी दाएं छोर से दाएं प्लग से एक शानदार पास प्रदान करते हुए शादी के लिए इस सीरीज गेम के ऊपर नियंत्रण रखते हुए धीरे धीरे मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए स्कोर के मामले में बिल्कुल बेनती चाहे बराबरी का मुकाबला चाहिए दोनों टीम को अगर तराजू में तोला जाए तो कांटे 90 डिग्री Thank you. Love and कुछ डांस ग्रुप पर ब्यूटीफुल डांस यहाँ पर शायबन के लिए गेंद अविनाश स्वाड़ी बैक पास हुई है सुरेश सपंती के खिलाड़ी के लिए लाभ कट की लंबी दूरी तय करता हुआ तरुण के लिए लेकिन सीधे उनके दस्तानों पर शून्य शून्य के बराबरी के साथ दोनों ही टीमें खेलते हुए मध्यांतर के बाद का खेल यहाँ पर मध्यांतर के बाद दोनों ही टीमें चाहेंगे जीत को अर्जित करने के लिए गोल दागने के लिए यहाँ पर सुनील लेकिन सही एंगल अविनाश स्वाड़ी टीम के लिए पर ये स्कोर और किसी भी टीम का मुकाबला ऐसा लगता है कि सबसे चहेते मुकाबला दर्शकों के बीच ये दोनों टीमों का ये खेल दिख रही है फिलहाल और जहां से गेंद सैमान के लिए निकाला जा रहा था लेकिन सुनील ने गेंद को जितने में सफल अभी ठाकुर को मौके मिलेंगे ठाकुर के बाद विकास लेकिन विकास को आगे बढ़ने नहीं दिया और आखिरकार यहाँ पर फिर से फाउल हो चुकी है गंभी हेमरम थोड़ा सा इंजोरी महसूस कर रहा है मुझे शायद यहाँ पर खासकर मुझे काफी दरकार हो सकती है गंभी के लिए लेकिन फिलहाल ये गर्मा गर्मी मुकाबला में ये कुछ पल के लिए रोका गया चलते खेल को क्योंकि विकास और गंभी के बीच जो टक्कर हुआ वो तो टक्कर के बीच थोड़ी सी इस वक्त गंभी खुद को अपने आप से चोटी महसूस कर यहाँ पर प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए आए और इसी रूप से मैच में खेल को रिज्यूम कर पाना उनके लिए बड़ी बात है अपने किरदार को बखूबी तरीके से निभाते हैं आदित्य भूर टीम का जो कि मंच के पांच छह ब्लू एंड व्हाइट के दोनों ही टीम अपने जगह में बिल्कुल कभी एक कमजोरी को तलाश रही है दोनों ही टीम एक दूसरे का लेकिन मामला बराबरी पर है किसी भी टीम को बढ़त हासिल नहीं हुआ है स्कोर हमें देखने को मौके मिलेंगे या ये बिल्कुल इसका मुकाबला और पहला मैच के लिए दोनों टीमें तैयार होकर देखने के लिए जो में आएंगे और विकास नायक थ्रो करने के लिए तैयार टीम की तरफ से और एक लंबी थ्रो की तैयारी जस्ट नंबर लेवन एक लंबी थ्रो निश्चित रूप से सुरक्षा पंक्ति गेंद को क्लियर करता हुआ पुनः एक मौका गेंद रिलीज लेकिन करना चाहेंगे ये फ्रेम है अंदर गोल को डालना होगा और अपने टीम के लिए पीछे से गोल करना होगा दोनों टीम ने लेकिन टारगेट पर गेंद को रखने में सफल इस बार सुरक्षित खिलाड़ी और इन साथी खिलाड़ी होने में सफल यहाँ पर दीपक थोड़ा सा हर कोई फायदा नहीं यहाँ पर अविनाश स्पॉडी लेकिन मामला बराबरी पर है अभी भी तगलाल लंबे कद के टिके खिलाड़ी जैसे भी टू में सुनील नट कद के खिलाड़ी ठाकुर गेंद के साथ और पूरी तरह से हालांकि यहाँ पर दीपक गलत तरीके से ठाकुर को रोकने की कोशिश की जिसके मैच रेफरी वो पूरी कहना चाहेंगे विकास नायक दूरी में दो मैन खड़े हुए हैं उन्हें रोकने के लिए गेंद गिर ली
लेकिन सीधे गोलकीपर के दस्तानों ने एक कमाल का दिशा दिखाया था। लाजवाब कीपिंग का मुजहरा पेश करते हुए टीम के गोलकीपर पाब्लो मुर्मू, जो कि पिछले मैच में अपना खेल को दर्शाना चाहेंगे, लेकिन सीधे गोल पोस्ट की दिशा में और दोनों के लिए आसान सा प्रैक्टिस। खेत की ड्रिबलिंग के साथ साथ विकास यहां पर सुनील के लिए, सुनील लोहार एक अच्छी गेंद विकास के लिए, विकास पर सुरक्षा पंक्ति यहां पर हर हाल में गेंद को रोकने का सक्षम हुए हैं। चीन के विशाल प्राचीर के भांति, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के भांति हर एक आक्रमण को नाकाम करने में कामयाब। बिल्कुल अपने सही बात जिक्र किया, हालांकि कोई मौका नहीं देना चाहते, इस बार गेंद के साथ आगे बढ़ रही थी लेकिन को गलत तरीके से द्वारा, और यहाँ एक फिर से एक मौका बना है, यहाँ एक बहुत करीबी मामला है, मिल सकता है इस क्रम में। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टीम निश्चित खिलाड़ी मैदान में, चारों ओर लाइटिंग होगी, फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, और चारों मैं कहना चाहूंगा चारों ओर फटाखे की फोड़ के साथ साथ एक बेहतरीन उत्सव मनाई जाएगी, को नहीं जलाएंगे तो यही एक सवाल है। और इस बार फिर से विकास हवा में गेंद और यहां से खतरा होते होते बची, आखिरकार अभी भी गेंद खतरे से बाहर, चंद्रमोहन के करीब है गेंद धीरे धीरे, और इस वक्त खिलाड़ी चोटिल महसूस करते हुए, और यहां पर मैच रेफरी से चोट पहुंची है, और इस वक्त थोड़ा सा जायजा लेना चाहेंगे। फिर से फर्स्ट एड टीम को बुलाया गया है, थोड़े से जायजा लेता हुआ अभिनंदन स्पोर्टिंग के खिलाड़ी को स्कोर मिलेंगे, राजू एंड ब्रदर्स आदित्यपुर टीम को मिलेंगे, जैसे तो मुझे इस तरह का अभिनंदन स्पोर्टिंग के खिलाफ एक गोल दर्ज सकते हैं, लेकिन हर एक खिलाड़ी हर एक क्षेत्र में विपक्षी टीम राजू एंड ब्रदर्स को कड़ी चुनौती देते हुए समझ चुका कि इस मैच का आंखों देखा हाल अंतिम दिन अपने खुद अपने आंखों से मैं रिजल्ट को देखना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप देख सकते हैं थर्ड पोस्ट पर कि कई सारे दर्शक का गैदरिंग नजर आ रहे हैं, उनको समझ चुका है ये मैच टाई होगा, और टाई ब्रेकर का नजर हम सामने से देखेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि अंतिम 30 सेकेंड भी अगर मौका मिले तो टीम को तो फिर कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विकास लाया है दौड़ को निकालने के बाद क्रॉस है, इस बार एक मौका था और भी बेहतरीन मौका था, ऋषि की कोशिश भी की थी यहाँ पर घनश्याम मुर्मू, लेकिन भाग्यशाली डिफेंडर में कहूंगा, और ये 3-4-6 खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन बाबली मुर्मू वाह फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी गेंद को मैंने सामना किया, और प्रभास जी इससे पहले कुछ और समय की परिसमाप्त हो चुकी है मामला।